जय हिंद। जो चाइना और इंडिया के बीच में गलवान के बीच में जो एरिया था डिस्प्यूटेड एरिया, उसमें से बहुत ही ज़्यादा जगह पर डिस्कलेशन नहीं हुआ है। अभी भी कुछ जगह है जहां पर टकराव की स्थिति बनी हुई है। चाइना का ये सोचना है कि ठंडी में भारत उधर अपनी सेना भेजने में दिक्कत कर पाएगा और वो अपनी सेना को नहीं भेजेगा, जिसका चाइना फ़ायदा उठा लेगा। लेकिन इसके विपरीत हुआ, हमारे जो तीनों सेनाओं के अध्यक्ष CDS बिपिन रावत हैं, उन्होंने कह दिया कि भाई अगर बातचीत से नहीं होगा तो हम युद्ध के रास्ते को भी अपना सकते हैं। इसी को देखते हुए इस बार जो सेना की तैयारी है वो पहले से बहुत ज़्यादा है। हमेशा जो ठंडी होती है, सितंबर से लद्दाख के एरिया में ठंडी आ जाती है, तो ठंड के दिन में वहाँ 5,000 सोल्जर्स को भेजा जाता था, जबकि इस बार ठंड के दिन में उन्हें 30,000 सोल्जर्स फौजियों को वहाँ भेजा जाएगा और इन्हें हर तरह के इक्विपमेंट दिए जाएंगे। इन्हें ठंड से बचने के लिए कपड़े, जूते, हर चीज़ आएंगे। ऐसे अंदाज़ा लगाइए कि एक फौजी का जो टोटल ड्रेस है वो टोटल 1,00,000 का केवल ड्रेस है। और इन लोग को जो रसद, खाने पीने की सप्लाई है, उसकी जिम्मेदारी चंडीगढ़ बेस की रहेगी। वो वहाँ से लिफ्ट के थ्रू इसको पहुंचाएगा ताकि वहां पे कोई दिक्कत नहीं आए। ऐसे ही उस साइड चाइना ने भी तैयारियां कर रखी हैं, वो भी अपनी फौज को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा है। इसी तैयारी में आगे बढ़ने के लिए भारत इस एरिया में जाने के लिए सड़कों का एक विकल्प ढूंढ रहा था। तो यहाँ पर आपको हम बताए थे, दारबुक से एक सड़क जा रही थी दौलत बेग ओल्डी तक, ये तो सड़क ठीक थी, लेकिन इसके बीच में एक यहाँ से कनेक्टिविटी ये वाले एरिया में काफ़ी डिस्टर्ब रहता था यहाँ से जाने में। तो यहाँ से एक अलग से रास्ता ले जाने के लिए अभी उसके लिए मंजूरी मिल गई है, वो जाएगा डारचा से। ये डारचा से इस सड़क को लेके हम लोग मिला देंगे लोग लद्दाख के एरिया में, हम लोग दौलत बेग ओल्डी वाले एरिया में, जो यहाँ से दारबुक सोक से आगे जाता है दौलत बे गोल्डी में। इस सड़क को मिला देने से वहाँ पर रसद, सामान और सैनिकों को बहुत ही त्वरित ढंग से पहुँचाया जा सकता है। चाइना ने यही इसी सड़क को आगे ले जाने के लिए सारा विवाद को किया था। अब ये सड़क ठंड के दिन में यहाँ से तो दिक्कत नहीं होता था, यहाँ से अब इसका एक बाईपास रूट मिल जाएगा, जिस वजह से यहाँ जाने में और आसानी हो जाएगी। उधर थाईलैंड ने अपनी आर्मी के लिए मिलिट्री ट्रक्स की रिक्वायरमेंट की थी, जिसमें उसने चीनी ट्रकों को हटाते हुए भारतीय कंपनी टाटा की ट्रक्स को उसने अपने मतलब टेंडर दिया है। टाटा इन ट्रकों को सप्लाई करेगा। थाईलैंड को ऐसे 600 मिलिट्री ट्रकों की ज़रूरत है, जिसकी रिक्वायरमेंट को अब हमारा टाटा पूरा करेगा। इससे अच्छा फायदा, एक अच्छा संदेश भी जाएगा, मेक इन इंडिया सफल भी हो जाएगा हम लोग का, और धीरे धीरे हम लोग मिलिट्री के एरिया में आत्मनिर्भर भी होते जाएंगे। चाइना के लिए एक बुरी खबर यह है कि रसिया और भारत ने मिलकर जो ब्रह्मोस मिसाइल को बनाया था, तो इसमें एक समझौता था कि ब्रह्मोस मिसाइल या तो रसिया यूज करेगा या तो इंडिया यूज करेगा या दोनों यूज करेंगे, थर्ड पार्टी को यूज करने नहीं दिया जाएगा। अब भारत जो चाइना से जो दुश्मन, चाइना जिन देशों को सताता है, जैसे वियतनाम हो गए, मलेशिया हो गए, इंडोनेशिया, ये सब फिलीपीन, ऐसे देशों को सताता है, उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है। तो भारत ने रसिया से करार कर लिया है कि अब भारत इसे दूसरे देशों को भी बेच सकता है। और उधर मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड और ये वियतनाम जैसे देश पहले ही कह चुके हैं भैया हमको अब ब्रह्मोस दे दीजिए। अब ब्रह्मोस मिलने से सबसे बड़ा फायदा क्या है, ये हाइट पर नहीं जाता है, नीचे नीचे जाता है, जिस वजह से रडार में नहीं आ पाता है। इसका नेवल वर्जन है, इसका एयर वर्जन है, जमीन वाला तो सबसे पहले विकास किया गया था। ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, नीचे नीचे जाता है, इसलिए इसे ट्री मिसाइल कहते हैं, पेड़ की ऊंचाई तक जाता है। चाइना के लिए सबसे बड़ा सरदर्द यही है, और अब सरदर्द तो और अच्छा हो गया कि अब हम दूसरे देश को बेच सकते हैं। चाइना बड़ा पाकिस्तान को मिसाइल बेच रहा था, जहाज बेच रहा था, ई बेच रहा, अब हम लोग भी उसके जितने भी पड़ोसी देश हैं उन्हें ब्रह्मोस बेच देंगे। मोदी जी से तो हम कहेंगे कि EMI पे दे दीजिए, उधार धीरे धीरे पैसा देना लोग। लद्दाख के पहाड़ी एरिया में आर्टिलरी की बहुत जरूरत पड़ेगी, वहां टैंक सफल नहीं हो पाएंगे, तोप सफल हो पाएंगे, लेकिन तोप में भी एक खराबी है, एक गोला मारने के बाद आपको दूसरा गोला मारने में आपको 20 सेकंड का टाइम लग जाता है, इधर से भरो फिर चलाओ। तो इसको देखते हुए DRDO ने कारगिल के युद्ध में जो बनाया था पिनाका, उस पिनाका को और एडवांस कर दिया गया। देखिए जो पिनाका क्या है, शिवजी के डमरू का नाम क्या था, पिनाका, तो उसी के नाम पर ऐसी मिसाइलें बनाई गई हैं। ये मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, मल्टी मतलब होता है बहुत ज्यादा, बैरल मतलब होता है नली, और उसमें रॉकेट भर के मारा जा सकता है। इसके कई वर्जन है, Mark 1, Mark 2, Mark 3। जो Mark 1 था उसका 40 किलोमीटर रेंज था, 2 का 75 और Mark 3 जो है 120 किलोमीटर दूर तक ये मार कर सकता है। ये पिनाका रॉकेट है, इसकी स्पीड 4.7 मैक है, यानी अब तक इतना तेज कोई जहाज भी नहीं उड़ सकता है, यानी ध्वनि की रफ्तार से लगभग 5 गुनी रफ्तार से चलता है, ये लगभग में 4.8 है, तो स्पीड की इसमें कोई कमी नहीं है। इसका सबसे खातक क्या होता है, इसका जो फायर पावर है 44 सेकंड में 72 रॉकेट मार देता है। अब 44 सेकंड में 72 रॉकेट आपको बचने का मुमकिन ही नहीं है। ये सबसे बड़ा काम क्या करता है, मतलब आपको कोई एरिया मिल गया कि हाँ मिलिट्री का
यहाँ कैंप है, यहाँ 10,000 फौजी हैं सब। अब एक एक को गोली मारेंगे 10,000 फौजी को, तो वो तो चुपचाप बैठेंगे सब नहीं, तो उससे अच्छा कोई दिक्कत नहीं, एरिया लोकेशन कर लो और इसको 44 सेकंड दे दो, 44 सेकंड में मारेगा 72 किलोमीटर, 44 सेकंड में कोई क्या कर पाएगा, भागने का भी मौका नहीं मिलेगा। और इसको सबसे बढ़िया बात क्या है, नेविगेशन के लिए आप लेजर गाइडेड कर दीजिए, नहीं लेजर गाइडेड करते हैं कोई दिक्कत नहीं, आपने पता किया ना कहाँ पे दुश्मन है उसका GPS बता दीजिए, इसके सिस्टम में GPS भर दीजिए, वहाँ जाके अपने से मार देगा ये। और इसमें सबसे बड़ा बात क्या है कि एक बार 72 मिसाइल लॉक कर भर दिए ना इसमें, मार दिए, अब फिर भरने के लिए आपको रीलोड करने के लिए केवल 4 मिनट चाहिए, 4 मिनट में ये रीलोड होगा। लेकिन भारत में सबसे बड़ी समस्या थी कि इसका प्रोडक्शन बहुत कम हो पाता था, लेकिन ये जो गलवान में समस्या को देखते हुए भारत सरकार ने इसके प्रोडक्शन को बढ़ाया है और कई प्राइवेट कंपनियों से मिलकर इसको आगे बढ़ाया। मोदी जी रेलवे का जो प्राइवेट कर रहे हैं ना, हथियार बनाने वाले चीज़ों को प्राइवेट कर दीजिए, देखिए धन धनाधन जियो की तरह भी मिसाइल बनाएगा सब, एकदम फ्री में मिसाइल बनाएगा सही सब। और इसका जो प्रोडक्शन बना दिया गया है 5,000, अब ये प्रोडक्शन लाइन हो जाएगी, 5,000 मिसाइलें इसकी पर साल बनाने की कैपेसिटी हो जाएगी भारत के। ये खबर अच्छी भी और खराब भी है। एक्चुअली क्या है कि चाइना गलवान वाले एरिया में स्पेशली हेलीकॉप्टर और ड्रोन का प्रयोग ज्यादा कर रहा है, और वो करेगा भी क्योंकि फाइटर प्लेन वहां ज्यादा काम नहीं आ पाएंगे। और ड्रोन और हेलीकॉप्टर या छोटे जहाज के लिए सबसे बड़ा दुश्मन होता है स्ट्रिंगर मिसाइल या ईगला मिसाइल। स्ट्रिंगर और ईगला दोनों एक ही टाइप के मिसाइल होते हैं, वो कंधे पर रख के मारे जाते हैं सब। ये ईगला मिसाइल भारत ने खरीदा रूस से, 2018 का टेंडर था, अब 2020 में इसे लद्दाख के एरिया में लगा दिया जाएगा। अब चीनी ड्रोन या हेलीकॉप्टर इससे तो बचना कम से कम नामुमकिन है, खास करके लद्दाख एरिया में। ये सरफेस टू एयर मार करता है और ये इसका जो नेविगेशन है वो इंफ्रारेड है, यानी गर्मी देख के आ जाता है। अब हर चीज के अंदर एक टेम्परेचर होता है, उसको ये देख कर पता कर लेता है। और ये लॉन्चेबल किससे होता है, तो मैन पोर्टेबल होता है, आदमी इसे लॉन्च कर सकता है, 6 किलोमीटर की दूरी पर मार सकता है। तो जनरली आपको 6 किलोमीटर ही आसमान में दिखाई देते हैं सब कि आपको कोई दुश्मन का जहाज या हेलीकॉप्टर आ रहा है, और उसे 11,000 फीट की ऊंचाई तक ये जाके मार सकता है। इसका स्पीड काफी तेज होता है, 570 मीटर प्रति सेकंड, यानी लगभग 2 मेक का होता है। इससे ड्रोन, हवाई जहाज या फिर कोई हेलीकॉप्टर इतने स्पीड से नहीं भाग पाते हैं, 2 मेक बहुत ज्यादा होता है। तो ये तो काफी अच्छा है, लेकिन ये लद्दाख के एरिया में ही अच्छा है, क्योंकि जब इसे खरीदा जा रहा था तो ये ईगला मिसाइल का जब टेस्ट किया गया था तो पोखरण जो मरुस्थली क्षेत्र था वहां फायरिंग किया गया, तो 3 फायर में से 1 फायर इसका हुआ ही नहीं, 2 ही फायर हो पाया। तो 1 तो इसका पार्शियली फायर सक्सेस हुआ, हालांकि लद्दाख के एरिया में ये सक्सेस हो गया था। इसके बावजूद इंडिया गवर्नमेंट ने पता नहीं क्यों इसे खरीद लिया, हमको समझ में नहीं आता है, जबकि रूस इसे बनाया हुआ है, रूस इसका एडवांस वर्जन रखा हुआ है, वेरबा मिसाइल, उसी ईगला मिसाइल का वेरबा मिसाइल एडवांस वर्जन है, रूस इसका यूज करता है। रूस कहा है कि भाई साहब ये वाला ले लो, तो भारतीय अधिकारियों ने कहा कि हमें जल्दी में खरीदना है, अगर हम दोबारा अब ईगला को कैंसिल करके इसको लाएंगे तो 2-2.5 साल का समय लग जाएगा। अरे बकलोलवा साहब, तुमको खरीदने में 2-2.5 साल लग जा रहा है हथियार, हद है भाई साहब। फौज के जो हथियार खरीदने वाले लोग हैं, कम से कम हमारे पॉलिटिशियन से कुछ सीखिए, हमारे पॉलिटिशियन को देखिए, रातों रात ससुरे विधायक खरीद लेते हैं सब। बिहार में सरकार रात भर में बदल गई, मध्य प्रदेश में सरकार कोरोना के बीच में बदल गई, वो तो कैसे कैसे राजस्थान में बचा, मतलब हमको लगा था कि ये भी जाएंगे सब। तो हम तो कहते हैं कि भाई सब जो हथियार खरीदने वाले हैं वो जो अधिकारी लोग, कम से कम पॉलिटिशियन से सीखो, तुम लोग से हथियार नहीं खरीदा जा रहा है, एक बार पॉलिटिशियन को देखो ना, तुरंत सांसद और विधायक खरीद लेते हैं सब। अब आप खुद सोचिए, हम लोग ने इस ईगला मिसाइल को, ईगला मिसाइल जो कि अच्छा नहीं है, हम खुल के बोलते हैं उतना अच्छा नहीं है, अच्छा क्यों नहीं है कि भाई इसका जो एडवांस वर्जन हाई है रूस हमें दे ही रहा है, तो हम लोग इसे क्यों खरीद के लाए, वो भी 5,000 के संख्या में, क्या करेंगे इसको जबकि ये 100% सक्सेस नहीं है, तो हमने वेरबा खरीदना चाहिए। लेकिन अधिकारी लोग को कहा कि इसमें 2 साल का समय लग जाएगा, सोचिए हमारे देश में कितना धीमा विकास है। आप ऐसे ही सोचिए ना, आपको अपने आधार कार्ड में अगर नाम की केवल स्पेलिंग गलती हो गई है ना, तो आपको सुधार के मिलने में 1 महीना लग जाएगा, वो सुधारेगा फिर सर्वर में नहीं सुधरेगा, इतना झमेला हो जाता है हिंदुस्तान में। अब हमको नहीं लगता, मोदी जी कहते हैं देश बदलेंगे, भाई साहब अधिकारी है ना, आप बदल गए हैं, मानते हैं कि आपकी सरकार है, आप मेहनत कर रहे हैं, अधिकारी तो वही है सब, उसी डिजाइन से चल रहा है, फिर भी नहीं, तो इस पे भी कुछ एक्शन लेना चाहिए, वरना हम लोग ऐसे पीछे होते जाएंगे, एक तो खुद बना नहीं पा रहे हैं, जो एडवांस मिल रहा है उसे ले नहीं पा रहे हैं। एक और बुरी खबर यहीं से आ गई, इंडिया गवर्नमेंट ने आज से 3 साल पहले कहा था कि जो तोप और टैंक्स वगैरह के एम्युनिशन होते हैं इसे हम इंडिया वाले बनाएंगे। एक्चुअली क्या है कि इसको बाहर से खरीदिएगा तो एक सेल, सेलिंग बोलते हैं इसे, एक गोला को सेल बोलते हैं, इसका लगभग जो रेट
आता था 2 लाख रुपए आते थे एक गोला का। सोचिए तो युद्ध के मैदान में आजकल हथियार नहीं चलता है, पैसा चलता है। एक गोलवा मारेगा ना, ये 2 लाख रुपया गया यहाँ पर, कई लाख दिख रहा है आपको, यहीं पर 10 लाख दिख जाएगा। तो यहाँ पर भारत सरकार ने कहा कि भाई इंडिया के प्राइवेट कंपनियां इसे बनाए, अगर इंडिया इसे बनाएगा तो इसे 2 लाख के जगह पे महज 80,000 में तैयार कर दिया जाएगा, यानी 1 लाख से भी कम में। अब 3 साल में कंपनियों को कहा गया था आप लोग बनाइएगा, कंपनियों ने इंजीनियर को लाया, नक्शा लाया, विदेशी कंपनियों से करार किया कि भैया हमको बनाना है। अब कंपनियों को भी इसमें फायदा दिख रहा था कि हथियार जो है इंडिया गवर्नमेंट को एमुनेशन इसकी तो बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो हम ही से खरीदेगी। तो कंपनियों ने इन्वेस्ट खूब किया और आज जाके सरकार ने घोषणा कर दिया कि हम इस टेंडर को रद्द कर देते हैं। अब आप बताइए इसका असर क्या पड़ेगा, जो कंपनियों ने लाखों रुपए लगा दिया था, 3 साल से लगा रहे थे, क्या अब भारत सरकार कहेगी कि हम कोई हथियार बनाना चाहते हैं प्राइवेट कंपनियां साथ दें तो कोई डर के मारे नहीं आएगा ससुरा, कब कैंसिल करेंगे, कोई ठीक नहीं रहता है। ये तो हद हो गया भाई, चुनाव जीतने के बाद अगर कोई कह दे कि चुनाव कैंसिल तो नेता लोग को मिर्चा लग जाएगा, ये देश का हथियार कैंसिल कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्या सोच के कैंसिल किया गया समझ में नहीं। अगली बुरी खबर रूस से आई है, रूस ने चाइना को जो अपने उसकी स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बी है सब सबमरीन का जब स्पेशली बताएंगे तो हम आपको बता देंगे कि स्कॉर्पियन डीजल इलेक्ट्रॉनिक और परमाणु पनडुब्बियां क्या होती है, उसकी टेक्नोलॉजी और उसका मैन्युफैक्चरिंग की टेक्नोलॉजी जो है वो चाइना को दे दिया, जबकि भारत को उसने देने से मना कर दिया। एक्चुअली रूस जो है अभी पैसे से जूझ रहा है, उसके पास पैसे नहीं है, उसका मेन जो अर्थव्यवस्था थी पहले हथियार पे था, अभी पेट्रोलियम पे, और पेट्रोलियम का रेट भी नीचे गिर गया और डिमांड भी नीचे गिर गई, तो रूस को पैसे की हर हाल में जरूरत है। और अभी उसको पैसा कौन दे सकता है, तो भाई साहब चीन दे सकता है। एक्चुअली पनडुब्बियां बनाना काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ऐसे सोचिए भारत एक पनडुब्बी को 15 साल में बना पाता है, 15 साल में बनाता है, उसके बाद 2 साल ट्रायल कर लेता है, यहाँ पे इतना लेट लगता है। पनडुब्बियों के अंदर का कंस्ट्रक्शन बहुत ही टफ होता है, वहां सोने तक का जगह नहीं होता है, देखिए इतना में आदमी सोया हुआ है, इतना छोटा छोटा उसमें जगह होता है। चाइना को ये सारी टेक्नोलॉजी बना बनाए मिल जाएगा, भारत सरकार को भी खरीद लेना चाहिए, यहाँ पर विधायक खरीदने से अच्छा पनडुब्बी खरीदिए, ज्यादा काम में आता है। रूस ने चीन को एक और घातक हथियार दे दिया, एक्चुअली ये हथियार नहीं है, ये एक बहुत ही खतरनाक एवॉक्स सिस्टम है, ये बैलिस्टिक मिसाइल अर्ली वार्निंग सिस्टम है, एक तरह का ये रडार है, ये 6000 दूर अगर कोई परमाणु मिसाइल को लेके, परमाणु बम को कोई मिसाइल लेके आ रहा है तो ये 6000 किलोमीटर दूर ही बता देगा। ये इतना बड़ा होता है, आप अंदाजा लगाइए, यहाँ एक आदमी खड़ा है, इस आदमी के आगे ये रडार देखिए एक बिल्डिंग बराबर है। ये टेक्नोलॉजी मिल जाने के बाद चाइना के ऊपर अगर कोई मिसाइल मारेगा और उस मिसाइल में अगर परमाणु बम है तो बैलिस्टिक मिसाइल से ही मार सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेटजिक होनी चाहिए, स्ट्रेटजिक उसे कहते हैं जो दूर तक हमला करे और परमानेंट डैमेज कर दे। तो चाइना को तो 6000 किलोमीटर पहले ही पता चल जाएगा। अब चाइना ने देखिए इंडिया को इसने ये सिस्टम नहीं दिया, ना ही इंडिया के पास है, अब आप इसे इसके लिए रूस को दोषी नहीं ठहरा सकते। एक्चुअली क्या है कि रूस जो है और चाइना है, इनका ये कॉमन दुश्मन है अमेरिका। अब अमेरिका चाहता है रूस को बर्बाद कर दे, रूस देख रहा है कि हम डायरेक्ट अमेरिका से टक्कर नहीं ले सकते, इसलिए रूस जो है ना चाइना को खड़ा करता है। रूस और चाइना में काफी दोस्ती चल रही है और चाइना मौके का फायदा उठा रहा है। चाइना कह रहा है कि तुम हमको पैसा दो, हम अमेरिका से लड़ने के बजाय भारत से ठोक देंगे यहाँ पर। अब भारत क्या है कि भाई मोदी जी अभी अमेरिका की ओर थोड़ा सा ज्यादा झुके हुए हैं, अब इंडिया का झुकाव देखेंगे तो अमेरिका से ज्यादा। रूस के राष्ट्रपति भारत में आते हैं, कब चले जाते हैं आधे लोग को पता ही नहीं चलता है, और कोरोना के बीच में फरवरी में आए थे हमारे ट्रंप साहब, तो नमस्ते ट्रंप हुआ था, मोदी जी अमेरिका गए थे तो हाउडी मोदी हुआ था। तो हम लोग के भी जो रिलेशन है धीरे धीरे अमेरिका की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। अब भारत के पास असमंजस है कि भारत के पास उतना पैसा नहीं है, हालांकि रूस जो है अभी के वर्तमान परिदृश्य में देखेंगे तो उसके लिए रूस के हिसाब से सोचेंगे तो चाइना उसके लिए बेस्ट है, क्योंकि हम लोग उतना हथियार खरीद नहीं रहे। आप देखिए राफेल फ्रांस से लेके चले आए लोग, चिनूक हेलीकॉप्टर अमेरिका से लाए लोग, अपाची अमेरिका से लेके चले आए लोग, जितना डिफेंस डील है ज्यादातर हम लोग वहीं से कर रहे हैं। हाँ यहां से भी हम लोग ने सुखोई मिराज जहाजे ब्रह्मोस वगैरह किए हैं, लेकिन अभी चाइना चाह रहा है कि भारत रूस को अपने फेवर में लेके रख ले। सोचिए वर्ल्ड रिलेशन कितने तेज बदलते हैं। एक वक्त था जब रूस जो था परमाणु हथियार परमाणु बम मारने वाला था चाइना के ऊपर, और चाइना के राष्ट्रपति उस समय 80 के दशक में घुस गए थे अपने बंकर में, छुप के संसद भवन वगन छोड़ के भाग गए थे, और उसको बचाया था, इस चाइना को बचाया था अमेरिका ने, क्योंकि अमेरिका जानता था कि रूस के दुश्मन चाइना को जिंदा रखो। सोचिए इतना खतरनाक है, कब ये रिलेशन टूटा कि रूस चाहता है कि अमेरिका के दुश्मन चीन को जिंदा रखो। यही चीन है देखिए कितना फायदा उठा, एक वक्त था जब इसे अमेरिका बचाया रूस से, और एक वक्त आज है जब इसे रूस बचा रहा है अमेरिका से। तो ये इंटरनेशनल चीजें कब चेंज होता नहीं है कोई समझ में नहीं आता है। और ये आप अगर किसी कमीशन लेवल यूपीएससी या फिर पीसीएस में एग्जाम में बैठेंगे तो इंटरनेशनल रिलेशन में पूछेगा या फिर इंटरव्यू में पूछेगा। इंटरनेशनल रिलेशन को अप्लीकेशन में स्पेशली जोड़ा गया है, जब पॉलिटी से सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम पॉलिटी, तो उसमें
इसमें हम आपको ये इंटरनेशनल रिलेशन पॉलिटी कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ, कोर्ट का प्रोसीजर क्या होता है, पुलिस प्रोसीजर क्या होता है। तो ऐसा नहीं है, आपको जब पॉलिटी पढ़ाएंगे तो ऐसा नहीं है कि केवल आप एग्जाम निकाल सकते हैं एसएससी वगैरह के, तो छोटा मोटा एग्जाम कोई निकाल लेते हैं लोग यहाँ पे। लेकिन आप पॉलिटी एक बार एप्लीकेशन में जब पढ़ लेंगे तो आपको थाना में जाने में डर और नहीं लगेगा, पूरा कंप्लीट बता देंगे जिसमें इंटरनेशनल रिलेशन भी ऐड करके रखेंगे। आई होप आप इस टॉपिक को समझ गए होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।